मेरे पीछे देख ही सकते कितना अच्छा व्यू है पहलगाम में। वापस मजा आ रहा है, पूरी बाइक लोडेड है ना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब, दिस इज हरशेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरशेश एफएम। सो होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेल फाइनली श्रीनगर को बाइक आने का दिन आ गया है और काफ़ी मजे किए हमने चार दिन में। गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, सिटी में घूमे और यहाँ के लोग की जो इम्प्रेशन थी उससे एकदम अपोजिट है और बहुत ही बढ़िया लोग है, अच्छी बातें करते। और ऐसा नहीं कि लाइक कोई शॉपकीपर या फिर रेस्टोरेंट में जाते तो ये अच्छी बातें करते, जनरल लोग होते तो भी अच्छी बातें करते कोई भी रैंडम मिल गया तो। और काफ़ी बढ़िया लोग है और काफ़ी खूबसूरत शहर भी है ये। और आज हम निकले श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए जो कि करीबन 100 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग को आज के दिन में कवर करना है। इट्स 10:50 राइट नाउ और ट्रैफिक, श्रीनगर के ट्रैफिक में मैं फंस गया हूँ और देखते हैं कि लाइक आई थिंक कि लाइक 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोस्टली हम लोग को ट्रैफिक लग जाएगा तो श्रीनगर सिटी के बाहर जाने के लिए। डल लेक में घुमाएगा शिकारा में? नहीं नहीं, श्रीनगर से बाहर जा रहे हैं। जम्मू? ठीक है, थैंक यू। तो जैसे ही देखा आपने, सिर्फ होटल के लिए पूछ रहे थे और रास्ता भी प्रॉपरली बता दिया, अच्छे लोग हैं यहाँ पे। और पहलगाम जा रहे हैं, पहलगाम में आज हम घूमने वाले और देखते हैं क्या क्या हम देखते हैं। और गूगल के मुताबिक मैंने टाइम तो चेक नहीं किया पर मेरे अंदाजे से करीबन 2 घंटे तो लग ही जाएंगे हम लोग को पहलगाम पहुँचने के लिए। और पहलगाम में श्रीनगर से ज़्यादा ठंड है ऐसा हम लोग को मालूम चला है और गूगल से हम लोग को मालूम नहीं पता, हम लोग को मालूम पता है लोकल्स के मुताबिक से। और यह आज हम लोग का आज हम लोग की विंटर श्रीनगर राइड का पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जहाँ पे हम वापसी के लिए निकले। तो एक बार हाईवे पे पहुँच जाते कोई अच्छा मोड़ आता है वापस तब रिकॉर्ड करता हूँ क्योंकि एक बार ट्रैफिक से भी निकलना पड़ेगा। पता नहीं क्यों आर्मी वालों ने यहाँ पे रोक लिया और यहाँ से हम देख सकते हैं कि लाइक आगे भी काफ़ी वहाँ पे जाम लगा हुआ है। इसके लिए जाम है पता नहीं, मोस्टली चेकिंग के लिए होगा। जैसे हाईवे से एंटर हुआ ये रास्ता पूरा ट्रीज से कवर था, सूखे हुए ट्री, बट आई एम श्योर कि लाइक जब भी समर्स में आएंगे या फिर कभी भी आते हैं समर्स में तभी दोनों साइड पूरा ट्रीज से पूरा ग्रीन होगा, इसलिए बहुत ही अच्छा दिखेगा। वी आर इन पहलगाम, कितना ही खूबसूरत है पहलगाम। और यहाँ पे हीट थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा डिटूर लेके फोटोग्राफी वाह। व्यू है पहलगाम में और पहलगाम करीबन 4 से 5 किलोमीटर यहाँ से ये अच्छा स्पॉट दिख गया था इसलिए हम फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे रुक गए थे। और रास्ते जब हम श्रीनगर से निकले और मेन हाईवे पे जब तक थे हम लोग को वहाँ पे ट्रैफिक बहुत मिला और ट्रैफिक चेक मैंने बोला कि चेकिंग की वजह से होगा पर चेकिंग कोई नहीं चल रही थी पर पता नहीं क्योंकि इतना ट्रैफिक ज़्यादा था। और करीबन हम लोग को 5 से 7 बार रोका गया और क्या बोलते हैं थोड़ी देर वेट करवाया और बाद में जाने दिया। मेरे को लगा शायद डाइवर्जन होंगे इसके वजह से होगा पर डाइवर्जन भी नहीं थे तो क्या रीज़न था कि हम लोग को आर्मी वालों ने रोका गया वो हम लोग को भी अभी तक पता नहीं चला। और गांव के रास्ते में एंटर हुए, गांव का रास्ता अच्छा नहीं था, बहुत गंदा भी नहीं था, ठीक था, मीडियम था रास्ता इसलिए हम लोग की स्पीड काफ़ी कट हो गई वहाँ पर। और बस अभी तो यहाँ पर मज़े कर रहे हैं और बस काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ यहाँ पर लिए ये व्यू के साथ। और अभी हम पहलगाम में जाएंगे, हम लोग को होटल भी अपनी ढूंढना बाकी है, एक बार होटल ढूंढ लें, पहलगाम में अपना सामान रख दे रूम के अंदर, बाद में लंच लेंगे हम अपना लंच लेंगे और बाद में साइट सीइंग के लिए निकलेंगे। साइट सीइंग में बेताब वैली आज देखने वाले और बेताब वैली के अलावा क्या देखते हैं वो अभी तक हम लोग को भी पता नहीं है। बेताब वैली के बारे में हम लोग को पता है, दूसरी कोई चीज़ के बारे में हम लोग को पता नहीं है। सो लोकल से भी पूछते हैं क्या देखने लायक है आज के दिन में और बाकी देखते हैं और बस अब ब्लॉग एंजॉय करिए। और क्या ही खूबसूरत यहाँ पे व्यू आ रहा है, रिवर जा रही है और सामने ये माउंटेन स्नो कवर्ड।
वाओ भी थोड़ा संभाल के चलाना पड़ेगा बिकॉज शायद चांसेस है कि लाइक रोड के दोनों साइड थोड़ी थोड़ी आइस है, तो चांसेस ये है कि लाइक यहाँ पे ब्लैक आइस रास्ते में मिल सकती है और वापस ब्लैक आइस पे गिरना नहीं है। तभी सामान नहीं था इसलिए कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, इस बार सामान भी है, लैपटॉप भी है, मेरे दूसरे गैजेट्स भी है, तो अगर गिरता हूँ तो वो सब भी ख़राब हो जाएंगे, लाइक टूट ही जाएंगे, उसके लिए थोड़ा संभल के चलाएंगे। ये हम लोग का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा कि लाइक हम पहलगाम में आए बिकॉज इतने अच्छे व्यूज़ है यहाँ पे, लाइक बहुत ही मज़ा आ गया। क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि श्रीनगर में नाइट करते और पहलगाम घूम के वापस आ जाएंगे, और दूसरा हम लोग ये सोच रहे थे कि लाइक श्रीनगर से निकलते पहलगाम में घूमते और बाकी नेक्स्ट वही दिन पर दूसरी डेस्टिनेशन पर जाते हैं। बट अभी नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम लोग ने जो डिसीजन लिया अच्छा लिया, डिसीजन ये लिया कि लाइक श्रीनगर से निकलेंगे, पहलगाम घूमेंगे, पहलगाम में नाइट करेंगे और नेक्स्ट दिन दूसरी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। और कल कौन सी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वो भी आपको कल वाले वीडियो में पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में ही बता दूंगा कि कहाँ पर हम जाने वाले। तो गाइस, जो ब्रिज से हमने राइट टर्न मारा था, राइट टर्न नहीं लेना था, हम लोग को लेफ्ट टर्न लेना था, हम 16 किलोमीटर यहाँ पे आ गए गलत रास्ते में। बाद में थैंक्स विजिट अगेन का बोर्ड देखा तो हमने लोकल को पूछ लिया कि पहलगाम कौन से साइड पड़ेगा, उसने बोला कि ब्रिज से राइट नहीं लेफ्ट लेना था। और क्या बोलते, एकदम जोश जोश में थे तो हमने राइट ले लिया और पता ही नहीं चला, बट कोई नहीं, ठीक है, रास्ते में मज़ा आ गया। अब हम जा रहे हैं पहलगाम की तरफ, और ये बाथरूम है, ये हम लोग का सारा लगेज, और ये हम लोग का बैल्कनी से व्यू। काफ़ी बढ़िया, हम लोग को 1200 रुपीज में ये रूम पड़ा और एकदम पहलगाम सिटी के बीचों बीच है। अभी नहाएंगे, फ्रेश होंगे, खाना खाना है, बहुत भूख लगी है, और बाद में साइड सीन के लिए निकलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग हॉर्स पे घोड़े पे यहाँ तक ऊपर तक आए, स्टार्टिंग में सबसे पहला हम लोग का पॉइंट था कश्मीर वैली, बहुत ही खूबसूरत है, जो कि आपने एक छोटी सी झलक देखी। उसके बाद वो हंटिंग क्या था, फोटो कराओ, फोटो ड्रेस में। नहीं, वो हंटिंग क्या था, हंटिंग ग्राउंड था, हंटिंग ग्राउंड था महाराजा यहाँ के कश्मीर के, वो पहले यहाँ पे हंटिंग करने रहते थे, और वन क्या मैं भूल गया, एक तीर से दो निशाने बोलते, क्योंकि उन्होंने एक बार हिरण पानी पीने आया था वहाँ पे, और एक शेर भी था उसको मारने था, तो जो राजा थे उन्होंने एक ही एरो से दोनों का शिकार किया, इसके लिए उसके लिए वो जगह को हंटिंग प्लेस करके बोलते हैं। और अभी तो यहाँ मिनी स्विट्जरलैंड में है, ये है मिनी स्विट्जरलैंड। GoPro बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा कि व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, और बस वही घोड़े पर ही वापस जाएंगे बिकॉज हमने उन लोग को पूछा कि लाइक हम चल के जा सकते हैं या नहीं। एक पॉइंट तक मेरे को लगा कि चल के जा सकते हैं, स्टार्टिंग में मेरे को लगा, बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं, ये जगह हम चल के नहीं जा सकते, हम लोग को घोड़े पर ही बैठ के जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो किया। बस थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे और यहाँ से निकलेंगे नीचे के लिए। सो आज का दिन देखा आपने कितना एक्साइटिंग रहा, बहुत मज़ा आ गया, घोड़े पे गए, काफ़ी सारे पॉइंट्स देखे, काफ़ी सारी दो वैलियाँ भी देखी, एक तो है पहलगाम वैली और दूसरी कश्मीर वैली, हम दो वैली देखी आज। और बाद में हम लोग का सब लगेज और GoPro पे मैंने रूम पे छोड़ दिया था, बाद में हम खाने गए थे दाना पानी में, और वहाँ से अभी आ रहे, और बस अभी तो सो जाएंगे और सुबह निकल जाएंगे हम लोग के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में।
थोड़ा बिखरा पड़ा है, पर वो कल सुबह हम प्रॉपर लोड करेंगे और बाइक्स पे बाद में लोड करके पेट्रोल भरवा के निकल जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन में। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दे देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर मेकिंग ए पार्ट ऑफ योर डे। दिस इज हर्षिता साइनिंग ऑफ।